गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स येसटर्डे वी हैव कम्पलीटेड अवर ग्रामर पार्ट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग सेक्शन सो वॉट वी हैव टू डू इन द राइटिंग सेक्शन वी हैव टू राइट अ डायरी एंट्री सपोज वन ऑफ योर फेवरेट टीचर्स रिटायर्स टूडे हमें ऐसा सपोज करने है कि हमारे एक फेवरेट टीचर आज रिटायर हो रहे हैं राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग लास्ट डे ऑफ स्कूल एंड योर एक्सपीरियंस तो हमें यहाँ पे उनका लास्ट डे और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरी एंट्री बाय राइटिंग द डे एंड डेट एंड देन टाइम तो मैंने यहाँ पर लिखा है डे थर्सडे डे एट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टाइमिंग फाइव नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायरी एंट्री सो वी आर गोइंग टू राइट डियर डायरी क्योंकि हम ये डियर डायरी अपनी खुद की डायरी में लिख रहे हैं सो वी आर राइटिंग डियर डायरी टुडे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर इज बींग रिटायर्ड And it was his last day. आज मेरे एक फेवरेट टीचर रिटायर हो रहे थे और आज उनका आखिरी दिन था इन स्कूल स्कूल में ही ट लास्ट लेसन आज उन्होंने हमें लास्ट लेसन पढ़ाया ऑफ अवर मैथ्स बुक हमारी मैथ्स बुक का एंड फ्रॉम टमोरो और कल से न्यू टीचर विलकम एंड टीचर्स कल से हमें दूसरे टीचर आके पढ़ाएंगे टुडे द क्लास फॉर द लास्ट लेसन वॉज सो वैल्यूएबल जो आज की जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी एवरी वन वॉज कॉन्सन्ट्रेटिंग सब बहुत कॉन्सन्ट्रेट करके बैठे थे सो so वेल well, बहुत अच्छे से एंड आवर टीचर वॉज लुकिंग अट्रैक्टिव और आज हमारे टीचर भी बहुत अच्छे लग रहे थे एज इट वॉज हिज लास्ट डे ही वॉज वियरिंग ब्लैक जैकेट आज उनका आखिरी दिन था तो वो आज अच्छे कपड़े पहनकर आए थे वियरिंग ब्लैक जैकेट विद ब्लैक पैंट्स एंड अ प्लेन वाइट शर्ट द लास्ट लेसन वो सो मच रिमेम्बरेबल जो उनने लास्ट लेसन पढ़ाया वो इतना यादगार रहेगा एंड आवर होल क्लास विल मिस हिम एंड हिज काइंड नेचर और हमारी सारी पूरी की पूरी क्लास उन्हें बहुत मिस करेगी उनको और उनके काइंड नेचर को एंड एट द लास्ट यू हैव टू राइट योर नेम एंड हेयर वी आर वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर टमोरो वील कंटिन्यू फॉरवर्ड यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है